हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई प्लस ई क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो एग्जाम था वो कंडक्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आने वाले एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट है और जिससे रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला न्यूमेरिकल है ए 460 वोल्ट सीरीज मोटर रन्स 500 आरपीएम टेकिंग ए करंट ऑफ 40 एम्पियर। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन टॉर्क इफ द लोड इज चेंज सो दैट द मोटर टेक 30 एम्पियर करंट। तो फ्रेंड, आपको पता होगा कि जो मोटर में, सीरीज मोटर में टॉर्क का जो क्वेश्चन होता है वो होता है के फाई आई। तो जो हमारा फाई है वो भी प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो जो टॉर्क हमारा प्रोपोर्शनल आता है वो आता है आई स्क्वायर के। टॉर्क जो हमारा प्रोपोर्शनल आता है आई स्क्वायर के। फ्रेंड, हमें निकालना है चेंज में। तो हमें पहले दिया हुआ है करंट 40 एम्पियर, फिर दिया हुआ है 30 एम्पियर। तो टॉर्क में हम चेंज निकालेंगे टी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर रेशियो से। टी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर रेशियो से। तो परसेंटेज चेंज इन टॉर्क, तो फ्रेंड ये आएगा न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू जो आपकी दी हुई है 30 एम्पियर पे, तो 30 का होल स्क्वायर माइनस 40 ओल्ड वैल्यू होल स्क्वायर अपॉन 40 का होल स्क्वायर इनटू 100। तो ये फ्रेंड आ जाएगा आपका 900 माइनस 1600 अपॉन 1600 इनटू 100। तो फ्रेंड ये आएगा आपका 700 इनटू 100 अपॉन 1600। तो ये इतना कट जाएगा 00 से 00। फ्रेंड्स, 700 में 16 का जब डिवीजन देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43.75%। तो फ्रेंड, ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट था, इसका आंसर आ चुका है 43.75%। तो फ्रेंड, हमने कुछ नहीं किया है। टी प्रोपोर्शनल होता है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम टॉर्क में परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू अपॉन पुरानी वैल्यू इंटू 100। तो फ्रेंड, इसका आंसर आ चुका है डी 100। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसका आंसर आ चुका है 4th। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कैलकुलेट द जी क्यूर इन द फॉलोइंग सर्किट। फ्रेंड, आपको पता होगा इसमें जी दिया हुआ है, जी यानी साइमेंस में। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे आर में। आर बराबर होता है 1/g। तो इस पूरे सर्किट को ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका 1/6, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 1/12। फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे ये दोनों जो है रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो 1/2 पैरेलल होगा आपका 1/6 प्लस 1/12। तो उसके बाद हम देखते हैं 1/2 जो है आपका पैरेलल होगा, ये आपका कैलकुलेट करेंगे आप इसको, ये आएगा आपका 3/12 यानी कि 1/4। तो 1/2 पैरेलल में होगा आपका 1/4 के, तो होगा 1/2 इंटू 1/4 अपॉन 1/2 प्लस 1/4। तो ये आपका हो जाएगा 1/8 अपॉन 3/4। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 1/6। तो फ्रेंड, ये 1/6 ओम जो है आपका, ये कंप्लीट ब्रांच आपके आ गई 1/6। तो अब हम निकाल लेते 1/8 और 1/4 का पैरेलल। तो 1/4 पैरेलल 1/8 और इसके सीरीज में हो जाएगा ये जो हमने ब्रांच निकाली ये कंप्लीट, तो प्लस 1/6। तो 1/4 इंटू 1/8 अपॉन 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/6। तो ये आपका होगा 1/4 इंटू 8 अपॉन 3/8। 8 से आपका 8 कैंसिल प्लस 1/6। तो ये आपका हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/12 प्लस 1/6 ये आपका अगेन आ जाएगा 3/12। तो यानी कि 1/4। तो ये आपका आर इक्विवेलेंट जो आया आपका 1/4 आ गया। तो जी जो आएगा आपका 4 साइमेंस। सही आंसर है फर्स्ट, 4 साइमेंस। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एनी स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव नेटवर्क ईच रेजिस्टर हैज ए वैल्यू ऑफ 100। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन इज परफॉर्म ईच रेजिस्टर इन डेल्टा। तो आपको फ्रेंड पता होगा कि जब स्टार से हम डेल्टा में परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 इंटू 3 क्या होगा, 300। जब भी आप स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो आप 3 का डिवाइड करते हैं। तो सही आंसर है 300। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साइनोसोडियल इज एक्सप्रेस एज 5 sin 4 pi t - 16। फाइंड द फ्रिक्वेंसी। तो फ्रेंड हमें इसमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रेंड आपको हम बता दें, ये जो आपका है फेज शिफ्ट, फ्रिक्वेंसी आपकी फेज शिफ्ट पे डिपेंड नहीं करती है। तो आप इसका टाइम पीरियड किसी भी वेव फॉर्म का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 pi अपॉन यहाँ पे जो वैल्यू दी है उसको अपॉन करके 4 pi। तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 1/2। तो टाइम पीरियड ये आपका t हो गया, यानी कि 1/f। तो आपका जो फ्रिक्वेंसी है f बराबर कितना हो गया, 2 hertz। तो इसका सही आंसर है d, 4 number 2 hertz। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी एंड 15 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो फ्रेंड दो कॉइल हैं आपकी जो कि सीरीज में जुड़ी हुई हैं। फाइंड द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज 2.5 हेनरी। तो सीरीज एडिंग में आपका कनेक्टेड है, यानी कि दो कॉइल हैं आपकी इस तरह की, एक है आपकी 10 हेनरी, दूसरी आपकी 15 हेनरी, और दोनों एडिंग पोलरिटी में है। और इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है आपका 2.5 हेनरी। तो देखते हैं इसको निकालने का। तो एल इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा L1 + L2 + 2m। तो L1 आपका 10 + 15 + 2 × 2.5, यानी कि ये टोटल 5 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 25 + 5, यानी कि 30 हेनरी। तो ये आपका आंसर हो गया 30 हेनरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट विल बी द एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इन ए कॉइल हैविंग इतने 250 टर्न एंड कैरिंग ए करंट ऑफ दिस एम्पियर, यानी 10 एम्पियर। तो फ्रेंड आपको एन दिया हुआ है 250 और आई दिया हुआ है आपको 10। तो एमएमएफ का आपको फॉर्मूला पता होगा, एमएमएफ इक्विवेलेंट होता है एनआई, यानी कि 250 × 10। तो आपका हो जाएगा 2500 एम्पियर टर्न। तो ये आपका सही आंसर है 4 number 2500 एम्पियर टर्न। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए वोल्टेज फॉर ए शॉर्ट सर्किट लाइन। तो फ्रेंड हम आपको बताना चाहेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Z0 - ZL / Z0 + ZL। तो शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए आपका क्या होगा, Z0 जो है आपका वो हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट लाइन, मतलब कोई भी लाइन क्या है, शॉर्ट है। तो आपका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आएगा 0 - ZL / 0 + ZL। तो ZL से ZL जाएगा तो कितना आएगा, -1। तो सही आंसर है ए, -1। फ्रेंड अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस 6 pole 50 hertz 3-phase इंडक्शन मोटर हैज ए फुल लोड स्पीड ऑफ 950 rpm। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ हाफ लोड। हाफ लोड पर स्पीड पूछी गई है, फुल लोड पर स्पीड आपको दी गई है 950। तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, आपको पोल दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो सिंक्रोनस स्पीड हम फाइंड कर लेंगे। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, 120 f/p। तो ये आपका आएगा 120 × 50/6। ये 6 से कटेगा आपका 2 times, तो ये आपका आ जाएगा 20 times, तो ये आपका ये आ जाएगा 1000 p/s। तो सिंक्रोनस स्पीड जो आपकी आई वो आई 1000। अब फ्रेंड हम निकाल लेंगे स्लिप। तो जो स्लिप होगा आपका ns - n/ns, यानी कि 1000 - 950/1000। ये 950 आपको फुल लोड स्पीड दी हुई है। तो
फ्रेंड ये आ जाएगा 50/1000, ये आपका कट जाएगा 10 से 10 ये 20 times। तो फ्रेंड जो आपका स्लिप आया, वो स्लिप जो आया आपका ये 20 में कटेगा, तो 120। तो फ्रेंड जो आपका फुल लोड स्लिप आया वो ये है, ये क्या है आपका फुल लोड स्लिप। अब फ्रेंड हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द स्पीड एट हाफ लोड। तो पहले तो हम हाफ लोड पे स्लिप निकालेंगे, तो एट हाफ लोड तो स्लिप जो होगा हाफ लोड पे आपका फुल लोड का डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 120/2, तो स्लिप जो हो गया आपका 140 हो गया। तो अब फ्रेंड हमें जो स्पीड निकालनी है, तो स्पीड आपका आएगा हाफ लोड पे, तो एन जो आएगा आपका तो फ्रेंड अभी हम निकाल लेंगे स्लिप स्पीड। तो स्लिप क्या होगा 1/40 × 1000, ये आपका सिंक्रोनस स्पीड आया था 1000, तो इसको 140 से डिवाइड कर देंगे जो कि हाफ लोड स्लिप है, तो ये आपका आएगा 10 से 10 = 25। तो जो आपका फुल लोड स्पीड आया उसमें से स्लिप स्पीड हम माइनस कर लेंगे, तो 1000 में अगर हम 1000 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 975 rpm। तो ये आपका सही आंसर है क्या, 975। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। ए स्ट्रिंग ऑफ 4 यूनिट, ए स्ट्रिंग इंसुलेटर हैज 4 यूनिट, द वोल्टेज अक्रॉस द बॉटम मोस्ट यूनिट इज दिस ऑफ द टोटल वोल्टेज, फाइंड द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो फ्रेंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी, मान लीजिए आपका जो टोटल वोल्टेज है आपका V है, नंबर ऑफ यूनिट आपकी 4 है, इनटू आपका 33.35% है, तो 33.33% जो है आपका वोल्टेज है कंपेयर टू ये आपका टोटल वोल्टेज, तो परसेंट में दिया हो तो अपन 100 कर लेंगे और इनटू 100 यहाँ पे भी होगा क्योंकि परसेंट में आंसर आएगा, तो बी से आपका बी कट जाएगा, 100 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 10000 × 4 × 33.33। तो फ्रेंड इसका जो आंसर आएगा वो 75% के अप्रोक्सी आएगा, तो ये आपका आंसर है 75। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन टू साइनसोइडल वोल्टेज V1 दिस एंड V2 दिस। फ्रेंड ये आपको हम बता दें, -10 cos दिया हुआ है, ये साइन दिया हुआ है, तो आपको ये फेजर डायग्राम बनाना, इसके लिए आपको आना चाहिए, ये होता है आपका cos, ये होता है आपका माइनस cos, तो ये आपका होता है माइनस साइन, ये आपका होता है प्लस साइन। तो फ्रेंड हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज तो आपका एंगल होता है पॉजिटिव, अगर आप क्लॉक वाइज चलते हैं तो आपका एंगल होता है निगेटिव। तो फ्रेंड सबसे पहले आपका दिया हुआ है कॉस, और वो भी माइनस कॉस, तो माइनस कॉस आपका ये रहा, इसमें आपको प्लस 50 चलना है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 50, तो प्लस के लिए हम क्या चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से, तो इस तरह से हम चलेंगे, तो ये आपका आ गया प्लस 50, तो ये आपका हो गया V1 जो कि आपका ये है। अगला है आपका V2 साइन प्लस साइन, तो प्लस साइन आपका ये रहा, इसमें माइनस टेन चल रहा है, तो आपको क्लॉक वाइज चलना होगा, तो क्लॉक वाइज में यानी कि ये चल दिया हम 10, तो ये आपका हो गया V2। अब आपको एंगल निकालना है, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन टू, तो V1 और V2 के बीच एंगल निकालना है, तो आपको पता ही है ये पूरा एंगल कितना होगा 90, तो V1 और V2 के बीच एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस ये आपका 50 और प्लस 10, 50 प्लस 10, तो 90 माइनस 60 यानी कि एंगल आ गया आपका 30 degree, तो ये आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। इफ द कलेक्टर करंट चेंज फ्रॉम 2 mA to 3 mA इन ए ट्रांजिस्टर, व्हेन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज इंक्रीज 2 V to 10 V, व्हाट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। फ्रेंड कुछ नहीं है इसमें, आपको आउटपुट रेजिस्टेंस होगा आपकी वोल्टेज रेंज इंटू करंट
अपॉन करंट रेंज। तो वोल्टेज रेंज आपकी कितनी आ रही है, 10-2 कर दीजिए और यहाँ करंट रेंज 3-2 कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर ये आपका जो है मिली एम्पियर्स में है, तो ये आपका वोल्ट में, तो ये आपका आ जाएगा 8/1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर यानी कि इसे यहाँ ले ले देख लेते हैं एक बार, 8/1 मिली एम्पियर यानी कि 8/10^-3, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 8×10^3 यानी कि 8 kΩ, तो आपका सही आंसर 8 kΩ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द साइनोसोइडल साइनोसॉइड वी इक्वल टू दिस, तो इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है, तो ये फ्रेंड रिपीट क्वेश्चन है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं, तो टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2π/ जो आपको दिया है उसको कर दीजिए 15। आपका टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी या फेज डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसको आप करेंगे तो 2×3.144/50 जब करेंगे आप, ये इसको ये 2 ही रहने दीजिए, इसको आप कर दीजिए 2×3.144/5, तो इसका आंसर आपका आएगा 0.1257, तो ये आपका सही आंसर है 0.1257। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड इसमें तो आपको सीधा ही दिखाई दे रहा होगा 3 digit आपकी क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा ईएमएफ की जो क्वेश्चन होती है, ये द ईएमएफ जनरेटेड इन अल्टरनेटर, तो ये इंडिपेंडेंट होती है टाइप ऑफ अल्टरनेटर, क्योंकि आपकी एन पे डिपेंड करती है जो कि स्पीड, टर्न पर फेज पर डिपेंड करती है, कॉइल स्पम पे भी डिपेंड करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड एक आपका ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, द वोल्टेज इन ए पर्टिकुलर बस कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द, तो आपका जो वोल्टेज रहता है वो किसी बस में कंट्रोल करता है रिएक्टिव पावर को, और जो आपका एंगल रहता है लोड एंगल वो आपका कंट्रोल करता है टिप पावर को। क्वेश्चन नंबर 71 आपका फ्रेंड देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 71 है, ए डीसी वोल्टेज सोर्स हैज ए सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम 5 ohm to 50, एक आपका सोर्स रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है 5 to 25, एक आपका लोड जोड़ा जा रहा है 10 ohm का, कितना ohm 10 ohm का, और यहाँ पे आपका एक डीसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है प्लस माइनस। तो फ्रेंड ये पूछा गया है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो आपको पता ही है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए सोर्स रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू होता है लोड रेजिस्टेंस, तो ये रेंज दी हुई है तो इसका सही आंसर होगा 10, तो सही आंसर है 10 फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइनोसोइडल करंट हैज ए मैक्सिमम वैल्यू आईएम, आपको आईएम आपको दिया हुआ 10 एम्पियर, हाफ वेव रेक्टिफाइड है, इट्स आरएमएस वैल्यू विल बी, तो आई आरएमएस आपकी वैल्यू होती है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आरएमएस वैल्यू होती है Im/2 यानी कि Im/2, तो ये आंसर हो जाएगा 5। अगर हम फ्रंट फुल वेव के लिए बात करें तो फुल वेव के लिए IRMS होगी आपकी Im/√2, ये होती है आपकी फुल वेव के लिए और ये होती है आपकी हाफ वेव के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द करंट इन 80 ओम रजिस्टर इफ द कनेक्टेड टू सप्लाई दिस, तो ये तो फ्रेंड आपको करंट पूछा गया है, तो 220/80 जब आप करेंगे तो 1 से 1 कट रहा आपका, 2.75 आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन एज भी आपको दिया हुआ है, आई ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम। तो फ्रेंड आपको इसमें दिया नहीं है, आपका एक्टिव पावर निकालना है या रिएक्टिव पावर निकालना है। तो पावर कंज्यूम जो दिया हुआ है वो होती है आपका एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये आपका वी मैक्स अपॉन रूट टू आई मैक्स अपॉन रूट टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। अगर आपको रिएक्टिव निकालना है तो यहाँ साइन हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन। तो वी एम आपको दिया हुआ है टेन इन बाई रूट टू, आपको आई एम भी दिया हुआ है टेन बाई रूट टू कॉस थीटा वन आपको दिया हुआ है थर्टी, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा थर्टी, क्योंकि ये आपका माइनस दिया हुआ है ना, थीटा टू आपका माइनस में है माइनस थर्टी, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा हंड्रेड बाई टू कॉस सिक्सटी, कॉस सिक्सटी की वैल्यू आपकी होती है हंड्रेड इंटू वन बाई टू अपॉन टू, टू टू फोर यानी कि ट्वेंटी फाइव जो है आपका वॉट आंसर है सही। द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर या तो आपको पता ही है जीरो पॉइंट, द रिपल फैक्टर फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर आई थिंक फ्रेंड ये आपका गलत दिया हुआ है, ये होता है आपका 1.12 हाफ वेव, ये होता है आपका फुल वेव के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड इन्हें केबल, केबल में आपको पता ही है ये लॉस एंगल बनता है अल्फा, तो आपका जो पावर फैक्टर होता है कॉस 90 माइनस अल्फा हो जाता है जो कि होता है साइन अल्फा इक्विवेलेंट। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इफ द ट्रांसफार्मर रेशियो इज 3। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होता है ऑटो, कॉपर इन ऑटो एंड कॉपर इन टू वाइंडिंग, तो ए माइनस वन अपॉन ए, तो ये आ जाएगा आपका 3 - 1/3, तो 2/3 इसका सही आंसर है। ये आप याद रखिएगा, ऊपर ऑटो होता है नीचे टू वाइंडिंग होता है, तब ये ए माइनस इतना आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88, टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस दिस एंड दिस एंड मैग्नेटिकली कपल्ड, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज दिस। तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है एम बराबर के एल वन एल टू, तो जो के बराबर है एम एल वन एल टू, इससे आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनपुट फ्रिक्वेंसी टू ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर इज दिस एंड द आउटपुट फ्रिक्वेंसी विल बी। फ्रेंड आपको ये बता दें, वैसे आउटपुट पे तो डीसी मिलता है लेकिन जो फ्रिक्वेंसी आती है वो होती है रिपल फ्रिक्वेंसी। तो ब्रिज जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है एफ ई होती है आउटपुट, फुल वेव और ब्रिज इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है टू एफ होती है, यानी कि 2 × 100 तो 200। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनऑर्डर करंट विथ 10 एम्पियर करंट सोर्स एंड 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टर ऑफ 5 ओम, द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस विल बी। तो ये आपका करंट सोर्स दिया हुआ है कितना 10 एम्पियर का, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका 15 ओम का, अगला आपका इसके अक्रॉस कनेक्टेड है 5 ओम का, तो इसके इसमें आपको क्या बताना है करंट, तो इसमें सीधा सीधा आप करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए, आई इन 5 ओम आपका हो जाएगा मेन करंट यानी कि 10, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी कि 15 और दोनों का योग 15 + 5, तो 10 × 15/20, ये आपका दो बार डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 7.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाय दिस, द एस्टिमेट एरर इन द मास।
तो आपको आर दिया हुआ है 40.0 प्लस माइनस, ये आपका एरर दिया हुआ है इतना एम एम, तो एस्टिमेट एरर इन इट्स मास, तो आपका मास जो होता है भी बराबर 4/3 पाई आर क्यू जो होता है, आर क्यू होता है, तो जब आपका लॉग निकालेंगे एरर के लिए तो आपका 3 आगे आ जाएगा, तो जब आपका एरर आएगा 0.5 × 3 तो 0.15 आ जाएगा, तो अब आपको एरर निकालने तो 0.15 upon 40 × 100 जब करेंगे तो आपका 3.75 प्लस माइनस ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। ए स्टेपर मोटर हैज ए स्टेप एंगल ऑफ 2.5 एंगल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द शाफ्ट टू मेक 25 रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड हमें स्टेप एंगल दिया हुआ 2.5 और नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द शाफ्ट, नंबर ऑफ स्टेप निकालने हैं हमें और 25 रेवोल्यूशन के लिए। तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टेप इक्विवेलेंट होता है 360 अपॉन स्टेप एंगल इनटू रेवोल्यूशन, यानी कि जितने के जितने रेवोल्यूशन के लिए हमें निकालना है। तो फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 360 अपॉन 2.5 इनटू रेवोल्यूशन आपको दिए 25, तो 2.5 से पॉइंट काटेंगे तो यहाँ 3600 और 25 से 25 तो इसका आंसर होगा 3600। तो ये इसका फ्रेंड सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। इफ टू कॉइल आर मैग्नेटिकली कपल्ड एंड इफ द एंटायर फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल इज लिंक्ड विद अनदर कॉइल द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज। तो फ्रेंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है कि अगर आपका एक ये कॉइल है एक दूसरा कॉइल है तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग शो करता है हाउ मच फ्लक्स इज ट्रांसफर टू अनदर कॉइल फ्रॉम वन कॉइल। तो इस कॉइल से इस कॉइल में कितना फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है, तो k की वैल्यू यानी कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू अगर 1 है तो ये होती है आपकी आइडियल वैल्यू, ये होती है आपकी आइडियल वैल्यू। तो k बराबर 1 शो करता है कि आपका एंटायर फ्लक्स एक कॉइल से दूसरी कॉइल में लिंक हो रहा है। तो अगर k की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो कुछ ना कुछ लीकेज होता है, तो प्रैक्टिकली k की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो आइडियली इसमें पूछा गया तो आंसर है a 7। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। एक जनरेटर डेवलप 200 वोल्ट, एक जनरेटर है जो कि आपका 200 वोल्ट क्या हो रहा है जनरेट कर रहा है, इसके बाद आपका एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 100 ओम का, तो ये आपका हो गया 100 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। फाइंड द पावर डिलीवर टू द लोड रेजिस्टेंस ऑफ, एक इसमें हमें पावर डिलीवर करना है लोड रेजिस्टेंस जो कि है 300 ओम का, तो हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड। तो पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसमें पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए हम निकालेंगे I, तो I बराबर होगा 200, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये दोनों ही सीरीज में है, तो सीरीज में तो 200 वोल्ट अपॉन 100 प्लस 300 यानी भी आई बराबर जो होता है वी अपॉन आर, आर जो होगा ये दोनों सीरीज में जाएंगे तो भी आपका 200 है और आर 100 प्लस 300 तो यानी 200 अपॉन 400 तो यानी कि 1/2 हो गया आपका आई, जो करंट है आपका 1/2, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आपकी 1/2 एम्पियर। तो फ्रेंड इसमें पावर हम कैसे निकालेंगे, पी बराबर होगा आई स्क्वायर आर, यानी कि 1/2 जो करंट थी इसका स्क्वायर इंटू 300, यानी कि आपका आ जाएगा 300/4 यानी कि 75 वाट। तो सही आंसर इसका 3 नंबर 75 वाट। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का 114 नंबर क्वेश्चन है। फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा, तो हमें बीटा दिया हुआ है 45 और आपको पता है बीटा होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, यानी कि आईसी अपॉन आईवी, तो हमें बीटा दिया हुआ है 45। दूसरा क्या दिया हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 kΩ रेजिस्टर विच इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर, तो ये आपका सर्किट हो गया, तो ये कलेक्टर में आपका 1 kΩ का रेजिस्टर जुड़ा हुआ है और जो कि है 1 वोल्ट के
अक्रॉस, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट है 1। तो यहाँ से हम निकालेंगे आईसी, तो आईसी होगा आपका 1 वोल्ट अपॉन 1 किलो, तो यानी कि आपका आईसी आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। आईसी आ गया आपका 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर आ गया आपका बीटा यहाँ। अब हमें निकालना है फाइंड बेस करंट फॉर कॉमन एमिटर कंफिगरेशन। तो बेस करंट सिंपल है, बीटा इक्विवेलेंट होता है आईसी अपॉन आईबी, तो इससे हो जाएगा आईबी बराबर आईसी अपॉन बीटा, यानी कि 1 मिली एम्पियर, ये माफ कीजिए एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर अपॉन 50। तो अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे, माफ कीजिए ये बीटा आपका 45 है, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 45 का तो 0.022 मिली एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पैरेलल 100 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये आपके 100 ओम के रजिस्टर है 4, जो कि क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है। ईच आपकी वैल्यू 100 ओम, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/R जो होगा इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस निकालना है, 100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100, तो 1/R बराबर आएगा 4/100, यानी कि आएगा 1/25, तो R जो आपका आ जाएगा 25 ओम, तो आपका सही आंसर है 4/25 ओम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 20 से लेकर 25 तक न्यूमेरिकल, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट होते हैं, तो ये हमने कर लिए हैं डिस्कस। कोई क्वेश्चन रह गया हो, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं कराया, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं वो क्वेश्चन, उसे भी डिस्कस कर लिया जाएगा। फ्रेंड हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि थ्योरी सेक्शन आपका क्या हो सकता है गलत हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो उसके मार्क जो है आपके फिक्स रहते हैं, यानी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो न्यूमेरिकल पोर्शन आपका क्या होना चाहिए स्ट्रांग होना चाहिए। तो फ्रेंड अगर आप इसी तरह का एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, और बेल आइकन दबाइए आने वाली वीडियो के लिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। तो फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।